हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे एचएसएससी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से एसआई और फीमेल का जो एग्ज़ाम हो चुका है उसके रिजल्ट के बारे में। आपका रिजल्ट कब तक आ जाएगा और ये जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है भाई, इसके बारे में वीडियो नहीं बनाई थी तो वो बता देती हूँ। और उसके बाद फीमेल कॉन्स्टेबल की जो आपकी कट ऑफ रहेगी तो उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले एक बार फॉर्मूला के देख लेते हैं। देखिए, जो एसएससी, रेलवे, डी ट्रिपल्स बी और भी अलग स्टेट के बोर्ड होंगे, सबका अगर शिफ्ट वाइज पेपर होता है तो नॉर्मलाइजेशन होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस थिंग। और डी ट्रिपल्स बी में जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो होता है मार्क्स बढ़ते हैं शिफ्ट वाइज। अगर इजी शिफ्ट है तो उसको एवरेज तक लाया जाता है टफ शिफ्ट के, और टफ शिफ्ट के मार्क्स को बढ़ाया जाता है जो हमारी इजी शिफ्ट है उसके मार्क्स तक। मतलब तीनों का ओवरऑल ऐड करके और एवरेज ले लिया जाता है तीनों शिफ्ट का। जो एचएसएससी ने फॉर्मूला दिया है, पी इज इक्वल टू 100 इंटू एम बाय एन। आपके मार्क्स नहीं बढ़ेंगे किसी भी शिफ्ट के, क्योंकि ये कहीं पे भी नहीं लिखा है इन्होंने अपने पूरे नोटिस में कि मार्क्स बढ़ेंगे। जबकि आपका जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो होगा कैलकुलेशन ऑफ परसेंटाइल स्कोर। आपने काफ़ी सारी वीडियोस देख भी ली होंगी, बिल्कुल सही वीडियो हैं वो और सही बताया है उन्होंने। रिकॉर्ड द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु हैव एक्चुअली अपीयर इन द शिफ्ट। आपके शिफ्ट में कितने लोगों ने पेपर दिया है उसको डिनोट किया गया है एन से। शॉर्ट ऑल द कैंडिडेट इन वन शिफ्ट इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मार्क्स। मतलब आपके 60 नंबर आए, आपसे नीचे 59 आए हैं, 58 आए हैं, जितने भी डिक्रीजिंग ऑर्डर शिफ्ट में मार्क्स हैं वो। नोट द रो मार्क्स। रो मार्क्स वो होते हैं जो आपके एक्चुअल मार्क्स होते हैं, मतलब जो आपके बिना किसी नॉर्मलाइजेशन या बिना किसी एवरेज पे लेके आए आपके जितने मार्क्स आए वो रो मार्क्स होते हैं, और उसको सपोज किया है इन्होंने टी से। काउंट द नंबर ऑफ कैंडिडेट इन दैट शिफ्ट हुज रो मार्क्स आर लेस देन और इक्वल टू टी। ये समझिएगा, ये इन्होंने बोला है काउंट द नंबर ऑफ कैंडिडेट। उन नंबर ऑफ कैंडिडेट को आप काउंट करो जिसने उसी शिफ्ट में रो मार्क्स या तो आपके इक्वल लिए हैं या तो आपसे लेस देन लिए। आपके भी 60 मार्क्स हैं तो किसी और कैंडिडेट के भी 60 मार्क्स हैं, और उससे नीचे जितने भी लेस जो मार्क्स हैं कैंडिडेट के उन सारे कैंडिडेट को यहाँ पे ऐड करो। और डिनोट दिस नंबर बाय एम, मतलब टी को यहाँ पे माना गया है एम। द परसेंटाइल स्कोर फॉर दिस कैंडिडेट इज देन कैलकुलेटेड इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू 100 इंटू एम बाय एन। द परसेंटाइल पी अबो कैन बी राउंडेड ऑफ द रिक्वेस्ट नंबर ऑफ द डेसिमल प्लेस। आपने जो वीडियो देख लिया ना वो बिल्कुल सही वीडियो है। कैलकुलेशन ऑफ रैंक के अकॉर्डिंग आपकी कैलकुलेशन होगी। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 18, 19 और 19, ये मत सोचिएगा भाई 19 के शिफ्ट वाले कि मेरे कम नंबर बन रहे हैं तो मेरा नहीं होगा। ऑब्वियसली होगा गाइज, क्योंकि आपकी शिफ्ट में जो टॉपर के मार्क्स होंगे या जो टॉप रैंक के मार्क्स होंगे वो 100% माने जाएंगे। 19 की मॉर्निंग शिफ्ट में जो टॉप मार्क्स होंगे वो भी 100% माने जाएंगे। और 18 की शिफ्ट में जो टॉप मार्क्स, मान लो यहाँ पे 70 नंबर टॉप है, यहाँ पे 60 वाला टॉप है और यहाँ पे 55 वाला टॉप है, तो आप 100% पे हो, आपका इनसे कोई मतलब नहीं है, इनका आपसे कोई मतलब नहीं है। तीनों की लिस्ट बना के ओवरऑल जब सेट किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग हर शिफ्ट से बच्चे को लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं, मतलब हमारा मुश्किल शिफ्ट में था, हमारे कम मार्क्स हैं तो हमारा नहीं आएगा, सबका आएगा नंबर। अब कट ऑफ देखो, ये देखिए 18 वाली शिफ्ट में फीमेल कांस्टेबल की बात हो रही है भाई, जिसके 58 से 60 नंबर बन रहे हैं इन द जनरल कैटेगरी, मतलब मार्क्स नहीं, सॉरी नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर इतने करके आए हो आप तो आपका फिजिकल आएगा। 19 की मॉर्निंग वाली शिफ्ट में जिसके 54 से 56 क्वेश्चन जिसके ठीक है उनका भी फिजिकल आएगा। और 19 की इवनिंग शिफ्ट में 50 क्वेश्चन भी आपके ठीक हैं तो लगा लीजिए 58 या 40 मार्क्स भी अगर आपके बन रहे हैं तो आपका भी फिजिकल आएगा। तीनों का ओवरऑल निकाल के इकट्ठा किया जाएगा। सो डोंट वरी गाइज, आप किसी भी शिफ्ट में आए हो, आपने अपनी शिफ्ट में अपना 100% दिया है और अच्छी परफॉर्मेंस दी है तो आपका आएगा। अब यहाँ पे देखिए,
अक्टूबर के पहले सप्ताह में रिजल्ट आ सकता है। 10 अक्टूबर तक फिजिकल दौड़ की प्रक्रिया पूरी होने की संभावना। फीमेल कांस्टेबल की बात हो रही है, अक्टूबर के पहले ही वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा गाइस, और 10 अक्टूबर तक आपकी फिजिकल की पूरी हो जाएगी प्रक्रिया। और यहाँ पर महिला कांस्टेबल का परीक्षा का रिजल्ट भी जल्दी आएगा, फिर पास होने वाले। एक सेकंड, यहाँ पर अक्टूबर के पहले सप्ताह में, ये शायद यहाँ पे बात कर रहे हैं एसआई की, एसआई वाली भर्ती की। और महिला कांस्टेबल की परीक्षा का रिजल्ट जल्द आएगा, फिर पास होने वाले अभ्यर्थियों की दौड़ प्रक्रिया शुरू होगी। 28 सितंबर से 1 अक्टूबर तक है कमांडो वाली, जो उनकी रनिंग है, रनिंग वाली है 28 से 1 अक्टूबर तक, और इसके तुरंत बाद आपका नंबर आएगा, ठीक है। और ये आपकी फीमेल की ही है, ठीक है, ये आपका फीमेल का ही है, तो आपका अक्टूबर में रिजल्ट आएगा, ठीक है। एसआई वालों का भी अक्टूबर में रिजल्ट आने के पूरे पूरे चांसेस है गाइस, क्योंकि इन्होंने फिजिकल की डेट पहले ही दे दी थी और अभी भी बता दिया है। सो यहाँ पर है थोड़ा सा पेपर से रिलेटेड, तो आप पढ़ सकते हैं ये कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। और ये मेरी तरफ से आपका जो वीडियो मैंने बनाया, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू टू वॉचिंग।